नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञान न्यूज। आपके साथ मैं हूं अंशु शर्मा। रुक करते हैं कुछ खास खबरों का। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर में प्रथम आगमन पर भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर का बुगरासी नगर में भव्य स्वागत किया गया। स्वागत समारोह के दौरान भारतीय तोमर गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी पूरी खबर में। स्वागत समारोह के दौरान भारतीय तोमर गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर ने कहा कि हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य किसानों की आवाज को सरकार तक पहुँचाना है। उन्होंने साथ ही कहा कि जिला अध्यक्ष चौधरी मुनेंद्र गुज्जर व महामंत्री मुना खान को नियुक्त किया है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानूनों के सवाल पर जवाब देते हुए भाकियो तोमर गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर ने कहा, सबसे पहले इसका विरोध हमने शुरू किया था। 22 सितंबर को हमने दिल्ली हरिद्वार हाईवे को जाम किया था। जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, तब तक हमारा संगठन विरोध करता रहेगा। भाकियो तोमर गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर कई गाड़ियों के काफिले के साथ बुगरासी नगर पहुंचे। उनके स्वागत समारोह में सैकड़ों कार्यकर्ता, कई ग्राम पंचायतों के प्रधान मौजूद रहे। विशेष संवाददाता आनंद सिंह। पहली बार शहर में आए, कैसा महसूस कर रहे हैं? आज हम बुलंद शहर में आए हैं पहली बार, और यहाँ पर हमने संगठन खड़ा करा है, और बुलंद जो है हमने जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और यहाँ पर काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है हमें किसानों की, और किसान काफ़ी अपनी समस्या में बता रहे हैं। और भारतीय किसान यूनियन तोमर का, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर मेरा नाम है, मैंने यहाँ सभी को विश्वास दिलाया कि संगठन इस वक्त सबकी मदद करेगा, जिस बात सबकी मदद करेगा, और किसान इसकी और जो पीड़ित होगी उनकी लड़ाई लड़ने का भी काम होगा। तीनों कृषि बिल को लेकर क्या कहना है? तीनों कृषि बिल का तो भारतीय किसान यूनियन तोमर एक पहला संगठन है जिसने विरोध किया था, और 22 सितंबर में नेशनल हाईवे NH-58 यानी कि दिल्ली से जो हरिद्वार हाईवे, वो हमने कई घंटे जाम किया था, उसका विरोध प्रदर्शन किया था। कल ऐसे कई बार हमने रेल रोक के धरने प्रदर्शन करके हमने विरोध प्रदर्शन किया, चक्के जाम किए। कल भी हमारे चक्का जाम भी था, एक जानसर तहसील जनपद मुजफ्फरनगर में धरना प्रदर्शन भी था, और जब तक काले कानून वापस नहीं हुए इसका विरोध प्रदर्शन संगठन करता रहेगा। तो फिलहाल के कुछ खास खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ज्ञान न्यूज। नमस्कार।